हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच लैपटॉप्स के बारे में जो कि 60,000 के बजट में बेस्ट हैं। और जितने भी लैपटॉप्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सभी मैंने अलग अलग ब्रांड से पिक किए हैं। यानी कि कुछ लोगों को HP के लैपटॉप्स अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को डेल के लैपटॉप्स अच्छे लगते हैं और कुछ लोगों को आसूस, लेनोवो और एसर जैसे ब्रांड्स के लैपटॉप अच्छे लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सभी ब्रांड्स के जो 60,000 के बजट में बेस्ट लैपटॉप्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप एक 60,000 के बजट में लैपटॉप ले रहे हो तो आपको ये चीजें जरूर चेकआउट करनी है। पावरफुल प्रोसेसर, 16GB की रैम, 512GB की SSD स्टोरेज, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, फुल HD डिस्प्ले एंड अ बैकलेट कीबोर्ड। लैपटॉप के अंदर ये सभी चीजें होनी ही चाहिए, तब जाके आप उसके अंदर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग और फोटोशॉप जैसे जो टास्क होते हैं उन्हें अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर दीजिए। नंबर वन पे है HP 15S। इसके अंदर इंटेल का एकदम ही लेटेस्ट 12th जेन i5 प्रोसेसर लगा हुआ है। इसकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 1.7 GHz और जो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो है 4.4 GHz। इस प्रोसेसर के अंदर 12 कोर्स और 16 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता कि प्रोसेसर के अंदर कोर्स और थ्रेड्स का क्या मतलब होता है, उन्हें मैं बता दूं कि प्रोसेसर के अंदर जितने ज्यादा कोर्स होते हैं आप उतनी अच्छी गेमिंग कर सकते हो और जितने ज्यादा थ्रेड्स होते हैं आप उतनी अच्छी ही वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग और फोटोशॉप जैसे जो टास्क होते हैं उन्हें परफॉर्म कर सकते हो। तो नो डाउट भाई, ये जो लैपटॉप है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही इस लैपटॉप के अंदर इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। रैम और स्टोरेज की बात करें तो गाइस, इसके अंदर 16GB की DDR4 रैम लगी हुई है और ये वाली जो रैम है ये 3200 MHz की रैम है, जिसे कि आप फ्यूचर में 32GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो। स्टोरेज की बात करें तो गाइस, इसके अंदर 512GB की PCIe NVMe SSD लगी हुई है और ये वाली जो SSD है ना गाइस, ये सुपर फास्ट SSD है। यानी कि जो नॉर्मल SSDs होती हैं उनके अंदर आपको 400 से 500 MB/s की ही स्पीड मिलती है, लेकिन गाइस ये जो PCIe NVMe SSDs होती हैं इसके अंदर आपको 4 से 5 GB/s की स्पीड मिलती है। तो जब भी आप इसके अंदर कोई गेम या फिर सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो वो काफी फास्टली ओपन हो जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो गाइस, इसके अंदर 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये वाली जो डिस्प्ले है ना भाई, ये एंटी ग्लेयर की प्रोटेक्शन के साथ आती है। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, एक जो लैपटॉप है जिसपे एंटी ग्लेयर की प्रोटेक्शन है और दूसरे लैपटॉप पे एंटी ग्लेयर की प्रोटेक्शन नहीं है, आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। बैटरी की बात करें तो गाइस, इसके अंदर 41 वाट आवर्स की बैटरी लगी हुई है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में सुपर फास्ट चार्जर भी मिलता है जो कि इसे 1.5 आवर में फुल चार्ज कर देगा। और फुल चार्ज करने के बाद आप इसमें 6 से 7 घंटे तक कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो। कीबोर्ड की बात करें तो गाइस, इसके अंदर फुल साइज नमपैड के साथ आने वाला एक बैकलाइट कीबोर्ड लगा हुआ है, तो इसे आप नाइट में भी यूज कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पोर्ट्स की बात करें तो गाइस, इस वाले लैपटॉप के अंदर आपको सभी तरह के नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। अदर फीचर्स की बात करें तो गाइस, इसके अंदर 720p HD वेबकैम, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 4.2, डुअल स्पीकर्स, बिल्ट इन एलेक्सा जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। और इस वाले लैपटॉप के अंदर गाइस आपको विंडोज 11 प्री इंस्टॉल देखने को मिलती है। वेट की बात करें तो गाइस, इसका वेट है 1.7 kg। और फाइनली अगर मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊं तो गाइस, इसका प्राइस है 61,000 rupees। और गाइस, इस वाले लैपटॉप पे अभी लेस चल रही है, तो जो इसका बेस्ट बाय लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके इसे इजीली ऑर्डर कर सकते हो। नंबर टू पे है लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3। नॉर्मली जो लैपटॉप होते हैं गाइस, उनके अंदर आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है, लेकिन ये वाला जो लैपटॉप है इसके अंदर आपको पूरे 2 सालों की वारंटी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। प्रोसेसर की बात करें तो गाइस, इस वाले लैपटॉप के अंदर एकदम ही लेटेस्ट इंटेल i5 प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस वाले प्रोसेसर की जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो है 1.3 GHz और जो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो है 4.4 GHz। इसके साथ ही आपको इसमें इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। रैम और स्टोरेज की बात करें तो गाइस, इसके अंदर आपको 16GB की DDR4 रैम देखने को मिलती है और ये वाली जो रैम है ये 3200 MHz की रैम है। स्टोरेज की बात करें तो गाइस, इसके अंदर 512GB की M.2 NVMe SSD देखने को मिलती है। डिस्प्ले की बात करें तो गाइस, इसके अंदर 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले लगी हुई है और ये वाली जो डिस्प्ले है ये एंटी ग्लेयर के प्रोटेक्शन के साथ आती है। कीबोर्ड की बात करें तो गाइस, इसके अंदर फुल साइज नमपैड के साथ आने वाला एक बैकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो गाइस, इसके अंदर 45 वाट आवर्स की बैटरी लगी हुई है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में फास्ट चार्जर भी मिलता है, जो कि इसे 1 घंटे में 80% चार्ज कर देगा।
पोर्ट्स की बात करें तो गाइज इसके अंदर आपको सभी तरह के नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन गाइज इसके अंदर एक पोर्ट मिसिंग है। इसके अंदर भी आपको ईथरनेट पोर्ट नहीं देखने को मिलता। अदर फीचर्स की बात करें तो गाइज इसके अंदर आपको वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, 720p HD वेबकैम जैसे सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं। और इस वाले लैपटॉप के अंदर भी आपको विंडोज 11 प्री इंस्टॉल देखने को मिलती है। और इस लैपटॉप के साथ आपको एक्सबॉक्स का गेमिंग पास 3 मंथ्स के लिए फ्री देखने को मिलता है। तो आप इसमें GTA 5 जैसे जो बड़े बड़े गेम्स हैं उन्हें आप 3 मंथ्स के लिए फ्री में इंजॉय कर सकते हो। प्राइस की बात करें तो गाइज इस वाले लैपटॉप का प्राइस है 59,000 रुपीज़। और अभी इस लैपटॉप पे 28% डिस्काउंट चल रहा है, तो जो इसका बेस्ट बाय लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसे इजीली ऑर्डर कर सकते हो। नंबर 3 पे है Acer Aspire 5। इसके अंदर इंटेल का एकदम ही लेटेस्ट i5 प्रोसेसर लगा हुआ है। इसकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 1.7 GHz, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 4.4 GHz। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो गाइज इस वाले लैपटॉप के अंदर NVIDIA GeForce RTX 2050 GDDR6 ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। और ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है ये 4GB का एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है। तो भाई इतने पावरफुल प्रोसेसर और इतने पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड के साथ आप इसके अंदर कोई भी गेम या फिर सॉफ्टवेयर चला सकते हो। रैम और स्टोरेज की बात करें तो गाइज इसके अंदर 8GB की DDR4 3200 MHz की रैम लगी हुई है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको रैम के 2 स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में रैम अपग्रेड करनी है तो आप इसे 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। इसके साथ ही इसमें 512GB की M.2 NVMe SSD देखने को मिलती है। डिस्प्ले की बात करें तो गाइज इसके अंदर 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले लगी हुई है। और ये वाली जो डिस्प्ले है गाइज ये एंटी ग्लेयर की प्रोटेक्शन के साथ आती है। बैटरी की बात करें तो गाइज इसके अंदर 43 वाट आवर्स की बैटरी लगी हुई है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में फास्ट चार्जर भी मिलता है, जो कि इसे एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप 6 से 7 घंटों तक कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो। अदर फीचर्स की बात करें तो गाइज इसमें 720p HD वेबकैम, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं। पोर्ट्स की बात करें तो गाइज इस वाले लैपटॉप के अंदर आपको सभी तरह के नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। प्राइस की बात करें तो इस वाले लैपटॉप का प्राइस है 58,000 रुपीज। नंबर 4 पे है डेल न्यू इंस्पिरोन। इसके अंदर राइजन 75825U जैसा पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है। तो भाई इस प्रोसेसर के साथ आप GTA 5 जैसे गेम्स और वीडियो एडिटिंग जैसे जितने भी टास्क होते हैं उन्हें काफ़ी इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो गाइज इसके अंदर AMD Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। रैम और स्टोरेज की बात करें तो गाइज इसके अंदर 8GB की GDDR4 रैम लगी हुई है। और ये वाली जो रैम है ये 3200 MHz की रैम है। इसके साथ ही इसमें 512GB की NVMe SSD भी देखने को मिलती है। डिस्प्ले की बात करें तो गाइज इसके अंदर 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले लगी हुई है। और ये वाली जो डिस्प्ले है ये 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। कीबोर्ड की बात करें तो गाइज इसके अंदर फुल साइज नमपैड के साथ आने वाला एक बैकलेट कीबोर्ड लगा हुआ है। बैटरी की बात करें तो गाइज इसके अंदर 45 वाट आवर्स की बैटरी लगी हुई है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में फास्ट चार्जर भी मिलता है। और एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप इसमें 6 से 7 घंटों तक कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो। इसके साथ ही गाइज आपको इसके अंदर सभी तरह के नेसेसरी पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अदर फीचर्स की बात करें तो गाइज इसके अंदर आपको 720p वेबकैम, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, विंडोज 11 प्री इंस्टॉल देखने को मिलती है। प्राइस की बात करें तो गाइज इस वाले लैपटॉप का प्राइस है 61,000 रुपीज। नंबर 5 पे है मी नोटबुक अल्ट्रा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी MI का फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, तो गाइज ये वाला जो लैपटॉप है ये MI की तरफ से आने वाला काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस वाला लैपटॉप है। डिस्प्ले की बात करें तो गाइज इस वाले लैपटॉप के अंदर अभी तक की सबसे बेस्ट डिस्प्ले लगी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि 1080p डिस्प्ले को हम फुल HD डिस्प्ले बोलते हैं, और जो 2K डिस्प्ले होती है वो 1080p से दुगनी क्लियर होती है, और जो 3K डिस्प्ले होती है वो फुल HD से 3 गुना ज़्यादा क्लियर होती है, और ऐसे ही 4K डिस्प्ले होती है जो कि फुल HD से 4 गुना ज़्यादा क्लियर होती है। तो गाइज इस वाले लैपटॉप के अंदर आपको 3K डिस्प्ले देखने को मिलती है। इससे पहले मैंने आपको जितने भी लैपटॉप्स के बारे में बताया है उन सभी के अंदर आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती थी, लेकिन इसके अंदर 3K रेजोल्यूशन के साथ आने वाली 15.6 इंचेस की IPS एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलती है। और ये वाली जो डिस्प्ले है ये 90Hz के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर इंटेल कोर i5 11th जन प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर 16GB की DDR4 रैम लगी हुई है।
इसके साथ इसके अंदर 512 GB की PCIe M.2 NVMe SSD लगी हुई है। अदर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको Wi-Fi 6, फिंगरप्रिंट सेंसर, 720p HD वेबकैम, Windows 11 प्रिंस्टॉल देखने को मिलती है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको 65W का सुपर फास्ट टाइप सी चार्जर भी बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें तो इस वाले लैपटॉप का प्राइस है 63,000 रुपीज़।